नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल रानू में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने फोटो के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए हमें दो ऐप चाहिए, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ वह दो ऐप कौन से हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, पहला आपको चाहिए इरेजर। ये ऐप जो है, पहला आपको चाहिएगा इरेजर। दोस्तों, इन दोनों ऐप के मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कैसे हम इसका उपयोग करेंगे देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो ये नीचे लिखा है लोड ए फोटो, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों, हम चले जाएंगे अपनी गैलरी में। फिर दोस्तों, हम अपने गैलरी में कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। चलो दोस्तों, कोई भी हम एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने एक फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों देखिएगा, जैसे आप देख रहे हो, मैंने ये एक फ़ोटो सिलेक्ट किया, तो ये सीधा इरेजर में आ जाएगा। फिर इसको हम क्रॉप कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। चलो ठीक है, ये हो गया क्रॉप, इसको हम डन कर देंगे। दोस्तों आप देख रहे हो, इसमें एक आ रहा ऑटो, एक मैनुअल, एक रिपेयर, हम इन तीनों का उपयोग करेंगे। और हम इसे जूम भी कर सकते हैं फोटो को बड़ा करने के लिए। इसको हम इरेजर से काटेंगे, तो सबसे पहले हम ऑटो में कर लेते हैं इसको। ऑटो में होने के बाद हम इसको इस तरह से काटेंगे, आप देख रहे हो इस तरह से ऑटो में ये कटिंग हो रहा है, बैकग्राउंड बदल रहे हम। कुछ बाकी रह जाएगा, वो हम मैनुअल से ब्रश करके इसको कटिंग कर देंगे। जैसा कि दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैनुअल। अब इससे हम ब्रश को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और इसको हम कटिंग कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, दोस्तों अगर थोड़ा बहुत हमारे ऊपर लग जाए फोटो के ऊपर, तो उसको भी हम इस रिपेयर से हटा सकते हैं। उसमें भी अपन कोई टेंशन करने की बात नहीं है। ये देखो, हम वापस उसको अपने फोटो के भाग को वापस भी ला सकते हैं। इससे हम कटिंग कर सकते हैं। जिस तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये मेरा फोटो, मैंने सारा इसका बैकग्राउंड काट दिया है। अब मैं इसके डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। तो ये हो गया हमारे इरेजर का काम। ये थोड़ा टाइम ले रहा है सेव होने में, लेकिन हो जाएगा अभी। इसके बाद हम एक और ऐप का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है पिकआर्ट। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं दोनों ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हो गया, इसको फिनिश्ड पे क्लिक कर देंगे अपन और ऐसे इसे बैक कर देंगे। चलो दोस्तों, अब हम चलेंगे पिकआर्ट में। ये आप देख रहे हो, ये चैनल जो है, ये पिकआर्ट है, इसको हम क्लिक करेंगे। और इसमें हम मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपने बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये नीचे जो प्लस का चिन्ह दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसमें एडिट पे क्लिक करेंगे। और इसमें हम कोई भी एक थीम लेंगे, जिससे हम बैकग्राउंड बदलना चाहते हो, जिससे इसमें कई प्रकार के बैकग्राउंड आ रहे हैं नज़र हमारे सामने। इसमें हम कोई सा भी एक बैकग्राउंड ले लेंगे, जैसा कि
हम अपने गैलरी हिस्से में कोई एक बैकग्राउंड लेते हैं। फिर हम इसका बैकग्राउंड बदलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बैकग्राउंड बदल सकते हैं। जैसा कि ये एक बैकग्राउंड हमारे सामने नज़र आ रहा है, ये लड़की की फ़ोटो वाला। चलो हम कोई दूसरा लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बैकग्राउंड बदल सकते हैं, और ये ऐसा लगेगा कि रियली में हमने वहीं खड़े होकर अपना फ़ोटो खींचा हो। रियली में हम ऐसा ही कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने एक बैकग्राउंड लिया है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर हम सीधे अपने पिकआर्ट में आ जाएंगे। फिर दोस्तों हम अपने इस फोटो को लाने के लिए हम ऐड ए फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये फोटो सीधा हमें अपनी गैलरी में ले जाएगा। अपने जो क्रॉप किया वो सबसे ऊपर फोटो आ जाएंगे, उसको हम क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे, और हम अपने फोटो को छोटा बड़ा करके कर सकते हैं, और उसको हम सेट भी कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, मैं अपना फ़ोटो कहीं भी लगा सकता हूँ। इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा बड़ा करके मैं सेट कर सकता हूँ इसको। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, मैं अपने फ़ोटो को यहीं सेट करके और क्लिक के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप अभी देख रहे हो, मेरे फोटो का एकदम बैकग्राउंड चेंज हो गया है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये फोटो यहाँ ऐड की। कोई भी देखेगा वो यही समझेगा कि उसने फोटो वहाँ जा कर शेयर की। चलो दोस्तों, हम ये जो चिन्ह है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ये फोटो अपने गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसके ऊपर मैंने दिखाया है कि हम किस प्रकार अपने फोटो के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। आप मेरे वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, और हाँ एक बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो लाल कलर में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।